हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपको भी शादी का सपना दिखाई दिया, या फिर रोजाना या रुक रुक कर आप अपनी शादी का सपना देखते हैं या किसी और की शादी का सपना देखते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि आप मैरिड हैं यानी शादीशुदा हैं, तो उस शादी के सपने देखने का क्या मतलब है, यानी कि आप अपनी शादी का सपना देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। यदि आप अनमैरिड हैं और आप अपनी शादी का सपना देखते हैं तो उसका क्या अर्थ है। लेकिन यदि आप किसी और की शादी का सपना देखते हैं तो उसका क्या अर्थ है, वो सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि आप शादीशुदा हैं इनके मैरिड हैं, उसके बाद यदि आप अपनी शादी का सपना देखते हैं तो यह सपना देखना आपके लिए अशुभ है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें दोनों के बीच में, इनके पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, दोनों के अंदर किसी बात को लेकर सेपरेशन हो सकता है, और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पार्टनर का बीमार होना, पार्टनर का किसी दूसरे शहर में चले जाना, ट्रांसफर हो जाना, या और किन्हीं भी कारणों से। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी तीसरे व्यक्ति का पार्टनर के जीवन में आ जाना। इन्हीं कारणों से आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए सपने में खुद की शादी देखना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब हम बात करेंगे, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपनी शादी का सपना देखते हैं तो वो शुभ होगा या अशुभ होगा। तो यहां पर इसका मतलब होता है कि निकट भविष्य में आपको कोई शादी का प्रपोजल मिल सकता है। यदि आपकी एज शादी लायक हो चुकी है और आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो। दूसरी बात, यदि आपका पार्टनर आपसे दूर था तो इस सपने का मतलब होता है कि दोनों के अंदर, मैं कहूंगा, समझौता हो जाएगा और दोनों साथ रहने लगेंगे। तीसरी बात, यदि आप अनमैरिड है और आप अपनी शादी का सपना देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी डेवलप होने वाली है। तो कुल मिलाकर यदि आप अनमैरिड हैं और आप अपनी शादी का सपना देखते हैं तो ये आपके लिए शुभ माना जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मैंने पहले आपको बताया था इस वीडियो में, कि यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की शादी का सपना देखते हैं, किसी और की शादी, वो आपके रिलेशनशिप हो सकती है, इनके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी, तो यदि आप उनकी शादी का सपना देखते हैं और देखते हैं खूब धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है, बैंड बाजी बजाए जा रहे हैं, डीजे चल रहा है, लोक संगीत चल रहा है, वैवाहिक गीत चल रहे हैं, इनके खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है, और आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के अंदर बहुत ही जल्द कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। वो गुड न्यूज किसी भी प्रकार से हो सकती है, यदि आप बीमार हैं तो आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, यदि आपके जीवन के अंदर कोई जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपका कोई भी ड्रीम है यानी कि जो आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि वो पूरा हो, तो
किसी अन्य की शादी देखने पर वो सभी तरह के आपके लिए एक तरह का शुभ समाचार का इंडिकेशन है। तो दोस्तों, यहां पर हमने चर्चा की कि शादी का सपना देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, क्योंकि सपना देखना अपने आप में दो चीजों पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके आस पड़ोस में, आपके दिमाग में, या फिर आप जो जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं उससे संबंधित हमको किसी भी प्रकार के सपने आते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार के आपके ग्रह नक्षत्र दशा गोचर चल रहे हैं और आपकी जो बायोलॉजिकल डिमांड है, यानी कि जिस प्रकार से आपका दिमाग सोच रहा है, जो जरूरत है, उस प्रकार के सपने भी जीवन के अंदर आते हैं। तो सपनों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। और हाँ दोस्तों, हमने सपनों के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, अन्य मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी को लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।